भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। केटू किस श्रेणी का चोटी है? काराकोरम का। काराकोरम किस हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का। केटू भारत के किस राज्य में है? कोई राज्य में ही नहीं है, भारत के केंद्र शासित राज्य में है ना। भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य है? तो लद्दाख का हिस्सा। समझ में आया? ये हम लोग राज्य थे, ये वाला क्या है अब हमारा केंद्र शासित राज्य हो गया। कोई दिक्कत? तो दिमाग खोल करके रख, ठीक है। अब यहाँ पे या को क्या बोला? बॉडविन है, इसी का श्रेणी याद रखना। यदि तुमको ये रेंज तुमको करने के लिए सजाने के लिए दे दिया ममता कि नॉर्थ से साउथ आप जा रहे हैं, किधर से? नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले कौन सा रेंज मिलेगा? काराकोरम। उसके बाद कौन सा मिलेगा? उसके बाद यदि इसी प्रश्न को उल्टा कर देगा, साउथ से नॉर्थ की ओर जा रहे हैं, तो पहले कौन मिलेगा? जास्कर, फिर लद्दाख, फिर यही क्वेश्चन वाला पोर्शन क्या है? जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर। यहाँ पे आपको मिल गया पीर पंजाब। कौन सा पंजाब? पीर पंजाब। पीर पंजाब से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये वाला जो भारत में है इसको हम लोग बोलते हैं नामचा बरुआ। क्या बोले? नामचा बरुआ। तो पीर पंजाल कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और नामचा बरुआ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। लिख लो नामचा बरुआ। कभी कभी हम नामचा बरुआ, तो ऐसे देखो फिर इसको हम लोग बोलेंगे यारा काम योमा। यारा काम, यारा काम योमा, यारा काम योमा। यस। हाँ वही बता दे रहे। तो यदि हम लोग बोलेंगे बृहद हिमालय, कौन सा हिमालय? बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय कहाँ से स्टार्ट हुआ? पीर पंजाल। पीर पंजाल मतलब भारत का हिस्सा हो गया, भारत, नेपाल, भूटान, चीन होते हुए म्यांमार तक विस्तृत है। यारा काम योमा, हिमालय यहाँ तक है, ठीक है ना। हिमालय कहाँ तक है? भारत होते हुए, नेपाल होते हुए, भूटान होते हुए, चीन होते हुए म्यांमार तक है हिमालय श्रेणी में। बात समझ में आया? हिमालय श्रेणी भारत में जो विस्तारित है वह पीर पंजाल से लेकर के कहां तक? नामचा बरुआ तक। और तो दूसरे का हिमालय है, नहीं समझे मेरा बात? यहां तक दिमाग में नहीं गया क्या? गया सर, थोड़ा सा वहां पे बता दीजिए, केटू के पास कहाँ हटे? मेरा भी फोटो लो ना यहाँ। आपका लेगा तो लद्दाख हट जाएगा ना। ओ, मेरा लेगा तो लद्दाख हट जाएगा। आप मेरा भी ले लो ना थोड़ा सा स्टाइल से। अरे फोटो तो मेरी बेटी खिंचाती है एकदम, ऐसे करके एकदम ठीक है। कोई दिक्कत? तो पीर पंजाल से लेकर के नामचा बरुआ तक यह भारत का विस्तार हुआ। लेकिन यदि आपसे पूछेगा हिमालय कितने देशों में होकर के गुजरा है, तो पांच देश कौन कौन सा? भारत, नेपाल, चीन, भूटान और म्यांमार। बात समझ में आया? तो हिमालय कितना देश से? और भारत में हिमालय का विस्तार सेट हो गया। अब यहाँ पे देखो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट ठीक है, माउंट एवरेस्ट यह भारत नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है विश्व की ऊंची चोटी है ये 8848 नहीं 8850.6 बढ़ गया। जब हम लोग बड़े सर 10th में तो 8848 था। तुम 10th कब किया? 13 में। अब यहाँ पे देखो
ये आपका पीर पंजाल चोटी हो गया, यहाँ पे जाओगे तो तुमको मिलेगा नंदा देवी। क्या मिला? ये चोटी हो गया नंदा देवी, ठीक है, यहाँ से तुम जा सकता है। नंदा देवी यहाँ आए ना सिक्किम के पास ना, तो यहाँ मिल गया क्या चीज? कंचनजंगा। क्या मिला? कंचनजंगा। ये कंचनजंगा भारत का हिस्सा है, भारत में है, और यह भारत की दूसरी ऊंची चोटी है। भारत की पहली ऊंची चोटी केटू, भारत की दूसरी ऊंची चोटी कंचनजंगा। कहाँ है? तो सिक्किम में है। बात समझ में आया? भारत की ऊंची चोटी कहाँ है? तो लद्दाख में है। क्लियर है? दिमाग में सेट हुआ कि नहीं? चलो, ये कंचनजंगा हो गया। अब आगे चलते हैं, तो ये वाला कौन सा एरिया है? नामचा बरुआ, असम का, सॉरी अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का नामचा बरुआ, ठीक है। यहां तक यदि किसी को नहीं दिमाग में गया है तो फिर पूछो। अमर गया पक्का? तुमको पता? एक बार और बताओ, सुनिए।